दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग जो स्क्रीन रिकॉर्डर है वो कौन सा यूज़ करें। बहुत लोग बोलते हैं यार स्क्रीन रिकॉर्डर क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर तो हम कोई भी यूज़ कर लेंगे आराम से, सब तो नॉर्मल ही होता है, हमारे मोबाइल का है तो उसमें भी हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। बट मैं आपको ऐसा रिकॉर्डिंग नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको ऐसा रिकॉर्डिंग बताऊँगा जिसकी मदद से आप बीच में चाहे तो टेक्स्ट फाइल या फिर कोई एरो का मार्क या फिर और भी कुछ भी, मतलब अलग से सिंबल वगैरह भी दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के मैं स्टार्ट करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि स्टार्ट करने के पहले कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सारे लोग बहुत आराम से रिकॉर्डिंग कर पाएँ। तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आराम से प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखिए प्ले स्टोर में मैं गया। प्ले स्टोर में आपको टाइप करना है ADV स्क्रीन रिकॉर्डर। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ADV स्क्रीन रिकॉर्डर है इसको इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इसमें जो है दोस्तों कि इसमें आप अलग से अपना खुद का एरो वगैरह सब चीज़ सेट कर सकते हैं, जैसे रिकॉर्ड जब कर रहे हो। तो जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आपको कुछ प्राइवेसी पॉलिसी आएगी, उसको आप आराम से एक्सेप्ट कर दीजिए। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको दिखाएगा कि आप में कितना स्टोरेज है, तो इतना स्टोरेज है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद फिर से अलाउ कीजिए। अलाउ जैसे ही आप करते हैं तो फिर यहाँ पर आपका जो है प्लस का सिंबल आएगा, तो ये आपको बोलेगा कि फॉर द ओवरले इंटरफेस टू फंक्शन यू नीड टू परमिशन टू ड्रा ओवर द एप्स। तो आपको तो परमिशन देना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें मतलब टेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको यहाँ पर अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स पर क्लिक कर दीजिए। तो अभी ये क्या हो गया, ये हमारा अलाउ कर देगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं अभी जाता हूँ इसमें ये देखिए अलाउ का आया ऑप्शन, मैं अभी यहाँ पे अलाउ करता हूँ। अलाउ करने के बाद मैं अभी यहाँ पर स्टार्ट ना आता है, तो मैंने यहाँ पर स्टार्ट कर दिया है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर चार चीज़ दिखेंगे, जो कि ये देखिए हमारा यहाँ पर कलर वाइज भी दिख रहा है या फिर जो भी दिख रहा है, तो इसको कैंसिल किए हैं। अब मैं अगर मैं कुछ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अभी तो फिलहाल इस पर मैं क्लिक कर दिया, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो कैंसिल कर दीजिए। अभी मान लीजिए मैंने इसको रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है, सपोज मैंने यहाँ पर कुछ भी ओपन किया, अगर मुझे VLC ओपन करना है VLC ओपन किया, और फिर उसके बाद अगर मुझे यहाँ पर कुछ देना है, सपोज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाँ ठीक है मैंने कुछ भी यहाँ पर यूज़ किया है, तो अगर यूज़ करने के टाइम पर तो ठीक है, मैं एक एग्जांपल ही देता हूँ। अगर मैंने USB टैथरिंग ऑन किया और मुझे अभी इसमें दिखाना है कि आप यहाँ पर जाइए, तो मैं क्या करूँगा, इसमें एडिट पे जाऊँगा और यहाँ देखिए ये मेरा इस तरह से ऑप्शन खुल के आएगा सेट कलर। तो कलर को तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ऐसा खुद का बता सकते हैं कि यहाँ पर आप आ जाइए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको जो है यहाँ से डायरेक्ट क्रॉस भी कर सकते हैं, तो यहाँ से क्रॉस भी हो जाएगा। अगर आपको और भी कुछ देना है तो ये देखिए पिक्चर्स टेकर टेक्स एंड वीडियो सब चीज़ आप डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पर यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको मतलब वीडियोस यहाँ से ही डायरेक्ट आप वीडियोस में भी जा सकते हैं, तो वीडियोस आपका दिखाएगा कौन सा वीडियो है, यहाँ से ही आप जो स्टार्टिंग। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।